वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। फरवरी माह में आजमगढ़ में एक बेहद दर्दनाक कांड हुआ, जहां पर जहरीली शराब पीने से करीब 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जब इसकी जांच हुई तो यह पता चला कि जिस सरकारी ठेके से यह जहरीली शराब बेची गई थी, वो असल में सपा का विधायक रमाकांत यादव के भांजे के नाम पर चल रहा था और यहां से जहरीली शराब का यह पूरा कारोबार किया जा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो यह पता चला कि इसमें रमाकांत यादव की भी संलिप्तता पाई गई, यानी रमाकांत यादव का भी जो पूरा यहां पर सरकारी ठेका है वो भले ही उनके भांजे के नाम पर चल रहा हो, लेकिन वो संपत्ति उन्हीं की भी है। अब इसके बाद जांच आगे बढ़ी और रमाकांत यादव के भांजे समेत उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से लोगों पर यहां पर कार्रवाई की गई, लेकिन अब खबर यह है कि आजमगढ़ प्रशासन ने रमाकांत यादव के भांजे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और यहां पर बड़ी कार्रवाई करने का काम किया। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ से सपा के विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया है। यह प्रॉपर्टी की कीमत करीब 67,14,800 रुपए आंकी गई है और इतने की प्रॉपर्टी को अब पुलिस प्रशासन ने कुर्की करने का काम किया। खबरें यह भी चली कि रमाकांत यादव के नाम पर भी कई अवैध संपत्तियां हैं जिन पर जल्द ही पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। खबर यह भी सामने आ रही है कि रमाकांत यादव पूरी तरीके से इस जहरीली शराब कांड में संलिप्त थे और अब उन पर पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन की तैयारी में, यानी कि कोर्ट से अब उनको रिमांड पर लेने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। एसपी ने तो पहले ही कह दिया था कि किस तरीके से रमाकांत यादव भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ पूरे साक्ष्य हैं और सब कुछ मौजूद है कि इस तरीके से वो इस जहरीली शराब कांड में जुड़े हुए थे। लगातार उनके अवैध ठिकानों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरीके से रमाकांत यादव के भांजे के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है, क्या आने वाले दिनों में रमाकांत यादव पर भी ऐसे ही ताबड़तोड़ एक्शन जारी रहेगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।